सुप्रभातम, मैं मधुबाला नौटियाल आज आपको कक्षा 6 विषय संस्कृत तृतीय पाठ सप्त परिचय 3। तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ, सप्त परिचय यानी शब्दों का परिचय करना। बच्चों, मैंने इससे पहले आपको संस्कृत में जो लिंग बताए थे कि क्या होते हैं, 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। जो हमने प्रथम पाठ पढ़ा है उसमें हमने पुल्लिंग जो शब्दों का परिचय किया है। अब जो द्वितीय पाठ में हमने पढ़ा है, द्वितीय पाठ में हमने अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय किया। आज हमारे पास तृतीय पाठ है यानी तीसरा पाठ है शब्द परिचय। इसमें जो हमारा जो तीसरा जो लिंग है नपुंसकलिंग, शब्दों का हम परिचय करेंगे। आइए देखिए आप क्या क्या शब्द है वो नपुंसकलिंग। इनके पहले शब्द जो इस पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द है देखिए, एतत यानी नपुंसकलिंग में है। एतत यहाँ जहाँ पे यह शब्द है। फिर है भीतिगम, भीतिगम का अर्थ होता है जो हमारी क्या होती है, दीवार होती है या घेरा होता है। फिर है खनित्रम, कुदाल, जिससे हम क्या है खेत खोदते हैं, जो मजदूर लोगों के पास रहते हैं। फिर है श्रमिका यानी मजदूरी, जो श्रमिक जो मजदूर जो काम करते हैं या खेतों में कहीं पे भी जो काम करते हैं। स्वर्णकारा यानी जो सुनार होते हैं, जो हमारे क्या है सोने के आभूषण या चांदी के आभूषण बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वर्णकारा। फिर है गर्भस्त्राणी यानी जो हमारे क्या होते हैं रुमाल होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, जो कपड़े के कुछ भी चीज के जो हंकी होते हैं उसे क्या बोलेंगे, गर्भस्त्राणी यानी रुमाल। फिर है कदली फलानी यानी जो हमारे केले के जो फल होते हैं, उस फल के लिए हम संस्कृत भाषा में क्या बोलेंगे, कदली फलानी। तो ये है इस पाठ में नपुंसकलिंग जो शब्द थे, शब्दों का परिचय में जो कठिन शब्द आए थे ये थे। अब आइए बच्चों आप मेरे साथ क्या करेंगे, बुक पे इसमें क्या है पावर समझने की कोशिश करेंगे, फिंगर लगा के मेरे साथ पढ़ेंगे। आइए तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ यानी पाठ शब्द परिचय है यानी शब्दों का परिचय, शब्द का परिचय जो नपुंसकलिंग शब्द में मैंने बताया था उन शब्दों का हमने परिचय करना है। अब देखिए एतत किम, एतत मतलब यह क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है, किम मतलब क्या, यह क्या है। एतत खनित्रम अस्ति, यह क्या है, खनित्रम मतलब कुदाल है, अस्ति मतलब है, यह कुदाल है, यह आपको चित्र के माध्यम से भी दिख रहा है। शर्मिका खनित्रम चालयति, शर्मिका मतलब मजदूरनी क्या कर रही है, खनित्रम मतलब कुदाल, चालयति मतलब चला रही है, ये आप देख रहे होंगे। अब है तत् किम, तत् मतलब वह, किम मतलब क्या, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्रामालय है जहाँ आराम करते हैं बैठने के लिए जो होता है। किम अत्र भीतिकम अस्ति, किम मतलब क्या, अत्र मतलब यहाँ, भीतिकम अस्ति क्या यहाँ दीवार है, इस विश्रामालय में क्या दीवार है, घेरा है। अत्र भीतिकम न अस्ति, यहाँ क्या है, भीतिकम मतलब दीवार नहीं है, इस पे क्या है दीवार नहीं है। एते के, एते का अर्थ होता है ये, के मतलब क्या, ये दो क्या है। एते अंगुलिये के इस्ता, ये दो अंगूठियाँ हैं जो हाथ में पहनी जाती है। स्वर्णकारः अंगुलिये के रचति, स्वर्णकार होता है जो सुनार होता है, जो आभूषण चांदी और सोने का आभूषण बनाता है, वो अंगुलिये के मतलब अंगूठियाँ क्या है, रचति मतलब बनाता है, ये स्वर्णकार है, ये क्या बना रहा है, अंगूठियाँ। ते के, ते मतलब वे, के मतलब दो, ये दो क्या है। ते बस यानी इस्तः, ये दो बसें हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छता, वे बसें कुत्र मतलब कहाँ, गच्छता मतलब जा रही है, ये दो बसें कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छता, ये दो बसें रेलवे स्टेशन जा रही है, ये दो बसें कहाँ जा रही है, रेलवे स्टेशन जा रही है। अब आगे देखिए एतानि कानि मतलब ये सब क्या है। एतानि कर्वस्त्राणि संति, ये दो रुमाल
हैं, यानी बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो संति मतलब हैं, ये दोनों क्या है, रुमाल है। किम एतानि पुराणानि, मतलब किम मतलब क्या, यह क्या है, पुराने हैं। ना एतानि तो नूतनानि, नहीं ये दो क्या है, ये सब क्या है, नए हैं। ये जो रुमाल है ये सारे क्या है, नए हैं। तानि कानि, तानि मतलब वे, वैस कानी मतलब क्या, वैसा क्या है। तानी कदली फलानी संति, वह सब क्या है, कदली फलानी मतलब केले के फल है, ये चित्र के माध्यम से भी दिख रहा है। किम तानी मधुराणी, किम मतलब क्या, तानी मतलब वह सब क्या है, मधुराणी मतलब मीठे हैं, क्या वह मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकानी चा, आम मतलब हाँ, तानी मतलब वे मीठे है, मधुराणी चा मतलब और, मीठे भी है, पोषकानी मतलब पोषक भी है। ये जो केले के जो फल है वो मीठे भी है और पोषकानी मतलब पौष्टिक भी है। ये है हमारा इस पाठ शब्दों का परिचय था। अब इसके शब्दार्थ ये आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजे जाएंगे, इसका आपने अर्थ और लर्न करने हैं, याद करने, अपनी कॉपी पे लिखने हैं। आगे देखिए ये भी शब्दार्थ है, ये भी आपने लिखने हैं। अब है अभ्यास, यानी इस अभ्यास में आना है उच्चारणम करोत, यानी उच्चारण कीजिए। फलम यानी फल, गृहम मतलब घर, पात्र मतलब पत्ता, पुष्पम मतलब फूल, द्वारा मतलब दरवाजा, विमानानम हवाई जहाज, कमलम मतलब कमल, पुस्तकम मतलब किताब, सूत्रम मतलब धागा, छत्रम मतलब छत, भवन मतलब घर, जल मतलब पानी। ये था इस पाठ में उच्चारण के लिए सब था। अब आपको इस अभ्यास में इस पाठ को, इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजे जाएंगे। बच्चों आशा करती हूँ कि आपके पाठ, आपके समझ में ये शब्द परिचय वाला पाठ, तृतीय पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।